दोस्तों स्वागत है आपका हमारी एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए रोक लाइट लेकर आ गए हैं जो वर्क नहीं कर रही, इसे रिपेयर करके दिखाएंगे। उससे पहले आप इसके कुछ डिटेल्स देख लीजिए, जैसा कि इस पर ऊपर रोक लाइट की ब्रांडिंग दी गई है। तो चलिए दोस्तों ये देखिए, इसका स्विच बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। अब हम इसे सबसे पहले चार्जिंग से चेक करेंगे 5 वोल्ट देकर, ये काम कर रहा है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, इसकी चार्जिंग की LED ब्लिंक कर रही है, देखिए आपको दिख पा रही होगी ध्यान से। ये देखिए दोस्तों। तो दोस्तों अब हम इसको आप रिपेयर करके दिखाएंगे कि किस वजह से वर्क नहीं कर रही है, क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों वीडियो पूरा देखा करें तभी समझ में आती है, नहीं तो वीडियो समझ में नहीं आएगी बिल्कुल भी। जैसे कि आप लोगों ने देखा 5 मिनट में कैसे हम इस LED को रिपेयर करते हैं, ठीक वैसे ही आप भी रिपेयर कर सकते हैं। तो जल्दी से मैं इसका खोल लेता हूँ। ये देखिए, स्क्रू ड्राइवर की वजह से इसमें नक्के लगे हुए होते हैं, नक्कों पर फिटिंग होती है। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से इसके अंदर का बोर्ड निकला है। सबसे पहले मैं इस पर LED पैनल को हटाऊंगा। देखिए डबल LED पैनल है ये, क्योंकि इसमें स्विच दे रखा है, एक साइड भी जला सकते हैं या दोनों साइड भी जला सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, फॉल्ट हमें दिख चुका है और फॉल्ट ऊपर रखा है। अगर आप लोग इलेक्ट्रिशियन होंगे कुछ, मेरे भाई मेरे सब्सक्राइबर, तो समझ गए होंगे कि ये कैपेसिटर फूला हुआ है नीचे की तरफ, यानी कि फटा हुआ है। तो ये कैपेसिटर ख़राब है, जिसकी वजह से ये LED चालू नहीं हो रही थी। तो हम जल्दी से स्क्रू खोल के इसके कार्ड को बाहर निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों, हमने इसका कार्ड खोल लिया है। ये देखिए किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। तो दोस्तों ये 220 वोल्ट का जेक है, ब्लैक वाला जो है, इसके अंदर 220 वोल्ट इसके अंदर इन होते हैं जब जाके ये 5 वोल्ट बना के बैटरी को चार्ज करता है। तो दोस्तों जब 220 वोल्ट इसके अंदर दिए गए हैं वो हाई वोल्ट होंगे, तो कैपेसिटर उसकी वजह से फट गया है। हम बैटरी को निकालेंगे और सबसे पहले हम बैटरी के वोल्ट चेक करेंगे कि बैटरी में जान है या नहीं, या बैटरी चार्ज है या नहीं। तो दोस्तों चलिए हम ये भी चेक कर लेते हैं, अपना डाउट क्लियर कर लेते हैं कि बैटरी कितनी चार्ज है। ये देखिए, तो दोस्तों बैटरी बिल्कुल डाउन है, उसकी वजह से हमने ये झटके मारने वाली बैटरी चार्ज करने वाली छोटा सा चार्जर उठाया है, जो कि हाई वोल्टेज निकालता है बैटरी की चार्जिंग के लिए। तो दोस्तों इसकी वीडियो में बना दूंगा कि मोबाइल की 3.7 वोल्ट की बैटरी में कैसे झटका मारे, या इसे झटका मशीन भी कह सकते हैं, और इसे कैसे बनाए इसकी वीडियो में बता दूंगा। अगर आप कमेंट में कहेंगे कि सर हमें बना के दिखाइए, तो मैं इसकी वीडियो भी आपको बना के दिखाऊंगा कि झटका मारने वाली मशीन कैसे बनाएं, वो भी बहुत सस्ते रुपए में, कम पैसों में, और अच्छी मशीन बना के दिखाऊंगा मैं आपको। आप मोबाइल की बैटरी, किसी कोई सी भी 3.7 वोल्ट की बैटरी, आप इससे 10-5 मिनट में उसकी ग्रेविटी उठा सकते हैं। अगर उसकी ग्रेविटी गिर गई है तो पूरी बैटरी डिस्चार्ज भी होती है जब भी ठीक हो जाती है। तो दोस्तों मैं इस फ़िलहाल के लिए इसे लगा के छोड़ रख देता हूँ थोड़े टाइम के लिए, तब तक हम करते हैं ये कार्ड रिपेयर। तो चलिए मैं जल्दी से इसका कैपेसिटर निकाल लेता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने इसका कैपेसिटर निकाल लिया है, उसकी वैल्यू भी आपको दिखाऊंगा। तो देखिए, जैसे कि दोस्तों इस पर 220 UF और 16 वोल्ट का कैपेसिटर है। ये देखिए, हमें कैपेसिटर चेंज करना है। अगर आपके पास सेम हो तो आप सेम भी लगा सकते हैं, मेरे पास सेम नहीं था तो मैं ये लगाऊंगा 25 वोल्ट और 220 UF। तो चलिए दोस्तों, आप 35 वोल्ट 220 UF का या 300 UF का भी लगा सकते हैं, क्योंकि DC कैपेसिटर है, इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखिए, माइनस प्लस कैपेसिटर का देख कर ही लगाएं दोस्तों। अब मैं इसे जल्दी से सोल्डिंग कर देता हूँ। दोस्तों सोल्डरिंग अच्छे से करनी है, नहीं तो अगर कार्ड में लूजिंग रहेगी
तो ये प्रॉपर चार्ज नहीं करेगा। दोस्तों ज़्यादातर कैपेसिटर हाई वोल्टेज होने की वजह से फटते हैं। जिस भाई ये रिपेयर कराने के लिए लाया है हमें, उसने बताया था कि वोल्टेज थोड़े ज़्यादा आ गए थे, गांव ग्राम में यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा आते रहते हैं, तो उसकी वजह से इसमें फॉल्ट हो गया था। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसे चार्जिंग से चेक करेंगे, ये काम कर रहा है या नहीं, इसके अंदर 5 वोल्ट बन रहे हैं या नहीं। तो चलिए ये देखिए, मैंने 5 वोल्ट दे दिए हैं और इसकी एलईडी भी ब्लिंक हो गई है। अब हमें पता कैसे चलेगा दोस्तों, उसके लिए हमें ये बैटरी का जो जैक है इस पर मल्टीमीटर की प्रॉब्लम आके देखेंगे 5 वोल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो उसके लिए मैं मल्टीमीटर ले लेता हूँ, फिर बताऊँगा आपको। तो हमें 20 वोल्ट पर कर लेना है अपने डीसी के, और हमें इसके वोल्टेज देखने हैं बन रहे हैं या नहीं 5 वोल्ट। तो देखिए दोस्तों, 5 वोल्ट बन रहे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। 5.72 वोल्ट बन रहे हैं, जो कि अच्छे वोल्ट होते हैं, एकदम बेस्ट। तो चलिए हम इसे, एलईडी भी ब्लिंक अच्छे से कर रही है। लेकिन दोस्तों इसके अंदर जो फॉल्ट हुआ है वो 220 वोल्ट से हुआ है, क्योंकि जिस भाई के पास ये है वो इसे चार्जिंग से चार्ज नहीं करता, वो इसे 220 वोल्ट एसी से चार्ज करता है। उसके लिए ये काला वाला जैक दिया हुआ है, ब्लैक वाला, ये देखिए, उसी की वजह से ये कैपेसिटर उड़ा है, शॉर्ट हुआ था। इसका पूरा डायग्राम बना हुआ है एसी से डीसी बनाने का। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसे करते हैं 220 वोल्ट एसी से भी चेक, ताकि इसके अंदर कोई फॉल्ट वगैरह ना हो, क्योंकि उस भाई के पास उसी की लीड है, चार्जिंग वगैरह नहीं है। लेकिन मैं बोल दूंगा उससे, अब चार्जिंग से चार्ज करेगा तो अच्छी चलेगी, लाइफ ज़्यादा बनेगी। तो ये देखिए, 220 वोल्ट एसी पे भी प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इसे फिटिंग करके दिखाऊंगा आपको। ये 220 वोल्ट का जैक है, जो कि लीड में आता है, इमरजेंसी लाइटों में लगा हुआ। तो चलिए मैं इसे जल्दी से फिटिंग कर लेता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इसके एक दफ़ा वोल्ट चेक करूँगा कि बैटरी कितनी चार्ज हुई। ये देखिए दोस्तों, 1.2 वोल्ट इस बैटरी के अंदर आ चुके हैं, लेकिन ये बैटरी जो होती है 4.7 वोल्ट की होती है, यानी कि 4 वोल्ट की बैटरी होती है दोस्तों। तो दोस्तों, इस बोर्ड को मैं जल्दी से फिटिंग कर लेता हूँ, फिटिंग करके आपको बताऊँगा और टेस्टिंग करके भी दिखाऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूँ, ये जो बैटरी होती है दोस्तों, और ये हमने झटका मशीन जो लगाई थी इसकी ग्रेविटी उठाने के लिए, ये एकदम से 2-4 मिनट में वर्क नहीं करती। इसके लिए 15-20 मिनट लगाना पड़ता है। बस ये है कि चार्जिंग से ज़्यादा कर देती है, क्योंकि चार्जिंग हमें 2-4 घंटे लगाना पड़ता है, और अगर झटका मशीन लगाएंगे हम तो उससे जल्दी हो जाती है 10-15 मिनट में। तो चलिए दोस्तों, हम इसे फिटिंग कर लेते हैं। बैटरी थोड़ी डाउन है, अगर आपको बैटरी ख़राब लगे तो आप ग्रेविटी नहीं उठा सकते, तो बैटरी चेंज भी कर सकते हैं आप। इसमें लिथियम सेल भी डाल सकते हैं, 1200, 600 mAh के जो आते हैं गोल वाले, वो भी अच्छे होते हैं, और उनकी वैल्यू उनकी लाइफ ज़्यादा चलती है। तो देखिए दोस्तों, हमने 220 वोल्ट इसमें इन करें, लेकिन ये हल्की हल्की डिगमगा रही है, क्योंकि बैटरी के अंदर बिल्कुल भी वोल्टेज नहीं है और लाइट जल रही है। तो मैंने अब लाइट कर दी है ऑफ़, और आपको जला के दिखाऊंगा, ये देखिए कितने अच्छे तरीके से वर्क कर रही है, ये देखिए। लेकिन ये अभी दोस्तों हल्की जल रही है, वीडियो में आपको नहीं दिखेगी, वो इस वजह से क्योंकि 220 वोल्ट एसी का जो करंट बनना है वो इसमें बहुत कम बनना है, 3.2 इस टाइप से होता है, ताकि बैटरी ख़राब ना हो। तो उसके लिए दोस्तों, बैटरी के अंदर वोल्ट होने चाहिए, 4 वोल्ट पूरे होने चाहिए, तब जाके ये अच्छी जलती है। तो इसी की वजह है बस ये, अगर हम इसे 4-5 घंटे चार्जिंग पर लगा के छोड़ देंगे तो उसके बाद ये बेहतरीन काम करेगी, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से जैसे करना चाहिए। एक दफ़े मैं आपको इसे चार्जिंग से भी टेस्ट करके दिखाऊंगा, 5 वोल्ट देकर आपको खुद ही पता लग जाएगा।
क्योंकि चार्जिंग 5 वोल्ट के डायरेक्ट वोल्ट बैटरी में जा रहे हैं और डायरेक्ट ही इस लाइट पैनल में जा रहे हैं। ये देखिए कितनी शानदार जल रही है। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो मेरे भाई चैनल पर नहीं आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों आप लोगों का प्यार ऐसे मिलता रहेगा, मैं नई नई वीडियो रिपेयरिंग के लाता रहूँगा, और आप लोग कमेंट करके बताया करें।